दुनिया में जीवित रहने के लिए खाना और पानी अति से अति आवश्यक होता है। इन सब के बिना इंसान जीवित नहीं रह पाएगा। आज ऐसे ही एक पंचायत की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। यहाँ के निवासी ज्यादातर किसान हैं, खेती कर अपना जीवन बिता रहे हैं। कटक से महज 20 किलोमीटर दूर और टांगी ब्लॉक से मात्र कुछ ही दूर पर अवस्थित जरीपुरा पंचायत, इस पंचायत के सभी गाँव मुख्यतः खेती के ऊपर निर्भर है। यहाँ सभी प्रकार की सब्जियां की खेती किया जाता है। बिरुपा नदी के तट पर होने के कारण यहाँ फसल अच्छी होती है और सभी प्रकार की सब्जियां खेती अच्छी होती है। बरस के 12 महीने यहाँ कोई ना कोई सब्जी की खेती होती रहती है। धूप के मौसम में भिंडी, खीरा, कद्दू, ठंड के मौसम में बैंगन, टमाटर, आलू, प्याज आदि की खेती करते हैं यहाँ के किसान। ये तो कखारू चाष है, आप उठिले कोबी बैगन ये सब लगे बैगन तले पड़ सारे फायदा कौन ये तो बेपार ठीक हो पारे जहाँ तो हूँ सब ये बेपारी आम जीवन मार्चा ये कखारूची 5 टका किलो कौन आमको चाह बेपारी आम तो नहीं बजार बिकि पार्न बेपारी बजार में अधिक रेट बिक्री होती कि आम पाने पैसा मत कारण बेपार मैंने बेपारी हाथ में रही जाऊँगी आम चाषी किसी पाने चाषी पाखे किसी ना चाषी 5 टका बिकाक कौन आम 10 टका आम ये दे दिंतु ये आम बोक घर को नबू फिर घर थोब पचीब फिर तादी के खाड़ी फोबाड़ी फिर बिकबू यही हूँ कथा काकुड़ी कलरा भेंडी कखारु बैगन कोबी फोबी तो सीजन है यही चाष हो चाष कले 40 वर्ष है बापा करते आम भी कर जहाँ रोजगार हुए पर चलिया कथा आशेष आम तो क्षुद्र चाषी से गोटे एकर 2 एकर भितर चाष से आम पिला पाठ पढ़ा घर करवा घर द्वारा भल मंद सब कि आर पचर कारण हूँ बर्षा जदि हूँ खरा जदि हूँ क्लाइमेट पूरा ठीक ना से गच मान दुर्बल हो जा फल आसुनाई गच फुंटा ठिया किंतु खर्च आम कम ना कि अमल बहुत कम चारि भाग भाग्य अमल नहीं चाष न करें तो खाया मिले मुख्य कथा पैसा रोजगार कर पैसा कौन लोक खाइबे जहाँ भी हेल्ले चाषी जदि किसी चाष न करेंगे कौन से युवपीढ़ी हो कि नचे कौन से वंश चाष जार अच्छे सी छाड़ दौरान चाकरी बाकरी कर पल आज से पिस्थित आज आलु आम ओडिशा ना आलु कि 50-60 पनीपरिया ना खाइबे कौन सरकार सीना चाउल 5 किलो दे दौर खाई दौर आ सरकार जो चाउल न दे पार धान तो अमल हेनी चाषी पाखु सरकार कौटू आणिक देव से चाष निहाती आवश्यक आम देश में।